नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आज एक ऐसी खबर को लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं। वो खबर है एक अधिकारी से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल दो दिन पहले ठाणे महानगर पालिका के हद में मुमरा प्रभाग समिति आता है, जहां पर सहायक आयुक्त महेश अहर जो है वो कार्यरत थे, उनका ट्रांसफ़र अचानक में कर दिया गया था, जिसकी चर्चा पूरे मुमरा, कौसा और ठाणे महानगर पालिका में चल रहा था। दरअसल उन्हीं के साथ चार लोगों का जो है तबादला कर दिया गया था। जिस तरह से अधिकारी महेश अहर का तबादला कर दिया गया, ठीक उसी तरह से अचानक में महेश अहर को फिर से मुमरा प्रभाग समिति का कार्यभार संभालने के लिए ऑर्डर निकाला गया। एक बात और हम आपको बता दें, महेश अहर के साथ और तीन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन महेश अहर के साथ तीन और अधिकारियों का तबादला फिलहाल कैंसिल यानी रोक दिया गया है। और कब तक कार्यरत रहेंगे अपने अपने प्रभाग समिति में, ये तो अधिकारियों से ही पता चलेगा। हम वरिष्ठ अधिकारी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है, इसलिए हम ये बता नहीं सकते कि कितने दिन तक और कार्यरत रहेंगे। ये एक चौंकाने वाली खबर है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर महेश अहर को क्यों ट्रांसफ़र किया गया और उसी तरह अचानक में उनका ऑर्डर निकाला गया, फिर से मुमरा प्रभाग समिति में कार्यरत होंगे महेश अहर। दो दिन पहले प्रहार टाइम्स ने महेश अहर से संपर्क किया था, तो उन्होंने कुछ सवाल खड़ा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। वो एक बार कह रहे थे, बहरहाल वो ये भी कह रहे थे, मुमरा में अवैध बिल्डिंगों पर यानी बिल्डरों पर कार्रवाई किया है, 35 FIR दर्ज किया है, हॉकर्सों को लेकर भी बात कर रहे थे। बहरहाल हम आपको सुनाते हैं महेश अहर ने फोन पर बात करते हुए क्या कहा। मार्केट थी, रोड से हटाया गया था, इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके काम थे ऐसे, आखिर क्या हुआ कि जो आपको यहाँ से फिर हटा दिया गया। नहीं, एक तो यहाँ पे मुझे कम से कम 15 महीने हो गए हैं, और जो प्रशासकीय जो मेरा ट्रांसफर हुआ है वो रूटीन ट्रांसफर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक भाग है, हिस्सा है। इसमें कोई ऐसी गजब की कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ही है कि मैंने मुमरा में काम किया, गुलाब मार्केट हटवाया, कमिश्नर साहब ने मुझे बहुत ही हेल्प की, हमारे बुरपले साहब है उन्होंने भी हेल्प की, सब लोगों ने मुझे मैन पावर दिया, मेरा हॉस्पिटल बढ़ा, इसलिए मैं ये सब कर सका। मेरे अकेला गया तो कोई इसमें क्रेडिट नहीं है, हमारे बुरपले साहब मनीष साहब और यहाँ की जनता प्रेस वाले सबका सहयोग है, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कैसे, अभी सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन मैंने तोड़े, सबसे ज्यादा MRTP की, सबसे ज्यादा बैनर निकाले, सबसे ज्यादा बैनर के ऊपर FIR मैंने किए, ये सब काम वर्क कर रहा है, आप लोगों ने भी सराहा प्रेस वाले भाइयों ने। लेकिन अभी यही काम से कुछ दिनों से यही काम सबको किसी को, या मैंने कम से कम 35 बिल्डरों के ऊपर FIR दाखिल किए, उसमें कम से कम मैंने 26 FIR किए, उसमें अक्यूज वो 35 के ऊपर है और अभी भी 8 तैयार है मेरे पास केस। तो ऐसे में अगर आपको ही चार्ज दोबारा दिया जाता है तो क्या आप मुमरा का चार्ज लेना चाहेंगे? नहीं नहीं, अभी मैं तो यहाँ से ऑर्डर के बाद मैं वापस नहीं रहना चाहूंगा। अब सवाल उठ रहा है कि साहब ने कितना कार्रवाई किया है या नहीं किया है, अवैध बिल्डिंगों पर किस तरह से हथौड़ा चलाया है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है, दो दिन पहले ट्रांसफ़र हुआ मुमरा प्रभाग समिति से और अचानक फिर उन्हें कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया, ठाणे महानगर पालिका की तरफ से नियुक्त किया गया है। और जो कहा जा रहा है, जो हमने आपको पहले ही कहा कि जो जानकारी सामने आ रही है, जो ऑर्डर आए हैं, उसमें यही है कि फिलहाल महेश अहर के साथ में तीन और लोगों का जो है जो बदली किया गया था, उन्हें भी अपने अपने जगह पर फिर से नियुक्त किया है, वहीं पर फिर से वो जो है अपना कार्यभार संभालेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ठाणे महानगर पालिका से जो ऑर्डर निकाला गया है उसकी तस्वीर आप देखें। इसमें महेश अहर के साथ तीन और लोग थे जो सहायक आयुक्त के पद पर थे, और उनको भी जो है फिलहाल उनका तबादला रोक दिया गया है। महेश अहर से कुछ लोग नाराज़ थे जो खबरें सामने आ रही थी, तो वहीं कुछ लोग उनके कामों से, उनके कार्यों से खुश है। बहरहाल एक बार फिर बागडोर संभालेंगे महेश अहर। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।